हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विदेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट फिट। आज की वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं जो कि लड़कों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रॉब्लम का नाम है गाइनोकेमिस्टिया, गाइनो या फिर इसको हम लोग जनरल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में, मेल बूब्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। बिलीव मी, इस प्रॉब्लम को 100% सही किया जा सकता है। जरूरत है सही अप्रोच की। होता क्या है, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने की वजह से, ठीक है। आपके चेस्ट में लम्स बन जाते हैं, जो मेल चेस्ट होती है वो फीमेल चेस्ट का शेप लेने लगती है एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से, फीमेल हार्मोन बढ़ जाने की वजह से। कई बार हम लोग चेस्ट फैट को भी गाइनो या मेल बूब समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, वहां पे आप अगर हाथ लगाओगे तो आपको सेंसेशन फील होगी, अगर आपको गाइनो है। प्रेस करोगे तो आपको पेन फील होगा, वहां पे लम्प फील होगा। अगर आपको लम्प फील हो रहा है, प्रेस करने पे पेन फील हो रहा है, टच करने पे सेंसेशन फील हो रही है, इट मीन यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ गाइनो। अदरवाइज वो सिंपल फैट है, उसको नॉर्मल फैट लॉस करके सही किया जा सकता है। बात करते हैं गाइनो को कैसे सही किया जाए। गाइनो को सही करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गाइनो होता क्यों है, ठीक है। जब आप ये समझोगे कि गाइनो होता क्यों है और इसके होने की वजह को आप और फिक्स कर लोगे, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सही हो जाएगी। मैंने बताया कि गाइनो टेस्टोस्टेरोन लो और एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन लो होने के क्या रीजंस हैं? आपका खराब लाइफ स्टाइल, आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ना करना। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स लेना, पिल्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, इंजेक्शंस लेना। इस तरीके के पिल्स को, इंजेक्शंस को आप परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए लेते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है और जब आप लेना बंद करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सही कैसे किया जाए? इसके तीन ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या होता है, आपके लम्ब ऑब्वियसली बन जाता है, उसको आप डॉक्टर के पास जाके दवाओं की सहायता से सही कर सकते हो बिना किसी सर्जरी के। अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज मस्ट, अच्छी डाइट इज मस्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, अच्छी डाइट से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर पाओगे। टेस्टोस्टेरोन जब आपका बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अपने परफॉर्मेंस रिगार्डिंग, चाहे वो ग्राउंड पे हो, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, उसको भी आप सही कर पाओगे। अगर आप टेस्टोस्टेरोन को फिक्स नहीं करते हो अपने, तो ये प्रॉब्लम आपको वापस से देखने को मिल सकती है। इसलिए अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज मस्ट अलॉन्ग विद मेडिसिन, ठीक है। अगर ग्रेड 2 की हम बात करें तो इसका जवाब है कि सही भी हो सकते हो आप, नहीं भी सही हो सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब क्यों, समझने की कोशिश करते हैं इजी से इजी लैंग्वेज में। देखो, आपका जो लम्ब है उसका साइज बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं सच बोलूं तो वो दवाओं से, वर्कआउट से, डाइट से जाएगा नहीं, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है अगर आप सही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो अपने आप को, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो आप मस्कुलर चेस्ट बिल्ड कर पाओगे। मस्कुलर चेस्ट बिल्ड हो पाने की वजह से आपके जो लम्स हैं बहुत ही कम दिखाई देंगे। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो लम्स आपके दिखाई नहीं देंगे, आपकी ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। और क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, आपने अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी है, आपने अच्छी डाइट ली है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स फेस करना भी आप कतई बंद कर दोगे, है ना। इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और डाइट से ग्रेड 2 प्रॉब्लम को भी फिक्स किया जा सकता है, बट लंग जो लंब है वो रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रेड 3 की प्रॉब्लम की। तो इसमें क्या होता है, आपका लंब इतना बड़ा हो चुका होता है, आपके जो मेल बूब्स के साइज है वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि अगर आप अच्छे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, अपना टेस्टोस्टेरोन वापस से बूस्ट करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, अपनी चेस्ट को मस्कुलर बनाते हो, उसके बावजूद आप ऐसा कोई इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाओगे कि आपका वो लंब दिखे ना, आपके वो मेल बूब्स नजर ना आए, तो ग्रेड 3 में सर्जरी मस्ट हो जाती है। सर्जरी के बिना वो सही नहीं होगा। सर्जरी कोई इतना सीरियस सर्जरी नहीं होता है कि आप डर जाओ। एक छोटा सा कट लगता है, वो लम्ब रिमूव कर दिया जाता है, वो टिश्यूज रिमूव कर दिए जाते हैं और आप सही हो जाते हो। बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड गुड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने टेस्टोस्टेरोन वापस से बूस्ट करना है। बिना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करे अगर आप वो लम्ब्स को रिमूव करवा भी दोगे तो आपको ये प्रॉब्लम वापस से हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन तो आपका बढ़ा ही हुआ है। इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जितने भी केसेस आज तक गाइनो के आए हैं वो सभी सही भी हुए हैं, और सभी ने, जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं सभी ने या तो स्टेरॉइड लिया था पिल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में,
या परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स लिए थे। ये बात सही है कि टेस्टोस्टेरोन लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से भी लो होता है। इतना लो नहीं होता है कि आपका एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इतना लो नहीं होता है कि आपका जो चेस्ट है फीमेल्स की तरह हो जाए, आपकी बॉडी में फीमेल्स ऑर्गन डेवलप होने लगें। इतना लो नहीं होता है लाइफ स्टाइल की वजह से, यस लो होता है बट इतना नहीं। जब टेस्टोस्टेरोन इतना लो हुआ है, एस्ट्रोजन आपका इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपका चेस्ट का शेप ही फीमेल जैसा हो गया है, इट मीन सच को एक्सेप्ट करिए, आपने अपने बॉडी के साथ गलत बिहेवियर किया है। आपने गलत पिल्स ली हैं परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, आपने स्टेरॉइड्स लिए। कई बार क्या होता है, हम स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं जानबूझ के, हम पिल्स नहीं लेते हैं, लेकिन हम गलत सप्लीमेंट ले लेते हैं और ख़राब सप्लीमेंट ले लेते हैं, फेक सप्लीमेंट ले लेते हैं, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन सप्लीमेंट्स के अंदर, उस प्रोटीन पाउडर के अंदर कंपनीज चीप क्वालिटी का, या कंपनीज नहीं तो जो कंपनी और आपके बीच के जो लोग होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, वो बहुत ही चीप क्वालिटी का, बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्टेरॉइड मिक्स कर देते हैं और आप अनजाने में इस तरीके की चीज़ें कंज्यूम कर लेते हो। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ स्टाइल की वजह से गायनों की प्रॉब्लम डेवलप हुई। मेरे पास हालांकि ऐसा एक भी केस नहीं आया, मेरे पास सारे केसेस स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स पिल्स इंजेक्शंस के यूज़ की वजह से ही, इस तरीके की पिल्स का अब्यूज़ करने की वजह से ही सारे केसेस मेरे पास आए हैं, जितने भी लोग आए हैं। एक केस ऐसा था जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, पिल्स नहीं ली थी, एनाबॉलिक्स नहीं लिए थे, बट उन्होंने गलत सप्लीमेंट्स ले लिए थे, जिन सप्लीमेंट्स में उनको इस तरीके की चीज़ें मिला के दे दी गई थी। रिजल्ट अच्छे मिले, बाद में जब उन्होंने लेना बंद किया तो टेस्टोस्टेरोन लो हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया और इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच को एक्सेप्ट करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसको जो है छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने आप से छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए, वापस से चीज़ों को फिक्स करिए, अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए। किसी भी तरीके की पिल नहीं लेनी है गलत, किसी भी तरीके के इंजेक्शंस, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स नहीं लेने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। सिंपल डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, मसल्स डेवलप कीजिए, आपका टेस्टोस्टेरोन वापस से बढ़ेगा, आपका एस्ट्रोजन लो हो जाएगा और आप एकदम सही हो जाओगे। ग्रेड वन और ग्रेड टू की प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है, ग्रेड वन तो कंप्लीटली सही की जा सकती है, ग्रेड टू की प्रॉब्लम को वहीं पर से रोका जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया जा सकता है, सारी प्रॉब्लम दूर करी जा सकती है, बट वो लम रहेगा, बट वो भी दिखेगा नहीं। ग्रेड थ्री में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ग्रेड टू में भी आप सर्जरी करवा के उस लम को रिमूव करवा सकते हो, और रिमूव करवा लो तो बहुत अच्छी बात है, इतना कोई सीरियस सर्जरी नहीं होता है। ये थी पूरी वीडियो, इसके बारे में, इस टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, प्रोसेस को फॉलो करिएगा और उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सही हो जाती हैं, ठीक है? सही डाइट लो। थैंक यू सो मच।